हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजू हब ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ग्लाइऑक्सिसोम। बहुत ही छोटा सा है ग्लाइऑक्सिसोम जो है, इसकी खोज बीवर्स नामक जो वैज्ञानिक है इसने की थी 1961 में। बीवर्स ने इसे ग्लाइऑक्सिसोम नाम दिया। ग्लाइऑक्सिसोम भी वसीय जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वसायुक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये पाया जाता है। वसायुक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो एनिमल्स में तो पाई नहीं जाती। किसमें पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं पादपों में, जो कि हमने जस्ट लास्ट जो वीडियो था, लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वसीय कोशिकाएं जो होती हैं उन पादपों में पाई जाती हैं जिनसे तेल ऑयल प्राप्त होता है, जैसे सरसों है, मूंगफली है, तिल है, ये सभी जो हैं ये वसीय पादप हैं। तो ऐसे पादपों में जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर ये उपस्थित होता है। इस वजह से अगर एनिमल की बात करें, जंतु कोशिकाओं की, उसमें ये क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है इसकी संरचना भी बहुत ही सूक्ष्म होती है, इसका आकार बहुत छोटा होता है। इस वजह से कह सकते हैं हम ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है वो एकल झिल्ली होती है, एकहरी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ से सिंगल मेम्ब्रेन होते ही हम बता सकते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है ये कौन सी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में झिल्ली विहीन, ये झिल्ली युक्त होता है, इस वजह से प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। जबकि इसमें पाया जाएगा ये यूकैरियोट में। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये उपस्थित होगा। यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइऑक्सीलेट चक्र जो होता है वो इसमें संपन्न होता है। इम्पोर्टेंट यहीं से आता है कि ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है उसके अंदर ग्लाइऑक्सीलेट जो चक्र होता है वो इसमें संपन्न होता है। फंक्शन, कार्य, ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनका काम होता है वसीय अम्ल जो पाए जाते हैं, वसीय अम्ल जो है उनको कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम वसीय अम्लों को किसमें बदल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। ये इसका मेन वर्क है। इस प्रकार से ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो इतना ही है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें सिर्फ बताना है हमें खोज किसने की, बीवर्स ने 1961 में। किसमें पाई जाती है? वसीय कोशिकाओं में, इसका मतलब पादपों में पाया जाता है, तंतुओं में नहीं। बहुत ही छोटा होता है, इकहरी झिल्ली इसमें उपस्थित होती है, इस वजह से यह प्रोकैरियोट में नहीं, यूकैरियोट में पाई जाती है। ग्लाइऑक्सीलेट चक्र इसमें संपन्न होता है। कार्य, इसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं वो एंजाइम वसीय अम्लों को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं। धन्यवाद।